नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप सब देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज 19 अगस्त 2022 को कौन बनेगा करोड़पति में शुक्रवार को जो अपोलो 24/7 एप्लीकेशन पर क्वीज आती है, वीकली क्वीज, घर बैठे जीतो जैकपॉट वाली, उसका उत्तर देने वाला हूँ। तो अपोलो 24/7 एप्लीकेशन पर रजिस्टर कैसे करना है, इस पर मैंने जब पहला प्रश्न आया था तब एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर दूंगा, आप देख सकते हैं। और अभी हम उसी एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। तो अपोलो 24/7 एप्लीकेशन मैंने खोला हूँ। अगर आपने पहले क्विज़ के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा, तो ये ऐप आपके पास में होगा। नहीं अगर होगा, आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के ऐप स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये इस तरीके का अगर कुछ आता है, लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, मैं ओनली दिस टाइम कर देता हूँ। तो आपको स्टार्टिंग पे ही होम पेज पर ही ये दिख रहा होगा, अपोलो 24/7 घर बैठे जीतो जैकपॉट, विन 1,00,000 रुपीज विद KBC एंड अपोलो 24/7 प्ले नाउ। तो इसी बैनर पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना था, क्योंकि पहली बार आप उत्तर दे रहे थे, पहला ही प्रश्न था। इस बार दूसरा हफ्ता है, क्योंकि पिछली बार पहले तो अपोलो एप्लीकेशन पे प्रोफाइल सेट करनी पड़ी मोबाइल नंबर वगैरह डालकर, और उसके बाद में ये KBC वाली क्वेश्चन के लिए अलग से मोबाइल नंबर डाल के प्रोफाइल सेट करनी पड़ी थी। तब मैंने और एक चीज़ बोला भी था कि आपको नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो एप्लीकेशन पे नहीं मांगेगा, KBC के इसमें मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है, एग्जैक्टली पता चलेगा क्वेश्चन आने की बात करके। तो अभी क्वेश्चन के लिए हम जब क्लिक कर रहे हैं तो फिर से एक बार मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे ये जो बटन है, ये आई एग्री वाली, ये देखिए, इसको चेक करना पड़ेगा, मतलब टिक करके रखना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने मेरा मोबाइल नंबर एंटर किया है, और उसके बाद अभी नंबर पे, और उसके बाद मतलब वो टिक करके नेक्स्ट बटन दबा दिया था। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद यहाँ पे OTP पूछ रहा है। अब ये OTP आया होगा हमको SMS में। अगर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन ऑन है तो नोटिफिकेशन में ऊपर ही दिख जाएगा OTP। अगर ऑटोफेज है तो आपका सीधे सीधे OTP जो है वो क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली दिखा देगा, यानी वही OTP आप डायरेक्ट पकड़ लेगा। मेरा ऑटो सिलेक्ट वाला ऑप्शन बंद करके रखा हूँ मैंने, तो मुझे SMS ज़रूर आया होगा, परंतु ऊपर दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए करके डो नॉट डिस्टर्ब ऑन करके रखा हुआ है। देखिए, ये दिख रहा है OTP, तो और ये 3 मिनट के लिए ही वैलिड है, 3 मिनट होने को है। खैर, 15 24 70, ओके, यहाँ पे लिखते 15 24 70, ये लिख लिया। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका समय ख़त्म हो जाता है या OTP आता ही नहीं है, तो ऐसे वक्त के लिए रिसेंट OTP बटन पे आप टैप कर सकते हैं। मेरा OTP आ गया है, मैं इसको नेक्स्ट बटन दबा रहा हूँ। अब ये फिर से एक बार पूरी की पूरी है जो कौन बनेगा करोड़पति का उत्तर देने के लिए जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस फॉलो करने बोल रहा है। तो यहाँ पे नाम वाम लिख लेंगे पटापट। पिछली बार रजिस्टर जब हमने किए थे तो यही प्रोसेस को फॉलो किए थे। ये मेरी बटन भैया, ये हो गया मेरा नाम राजेश। अरे दिखा रहा है कि नहीं, नहीं शायद पॉइंट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हजारे, ये हो गया मेरा नाम। मेल जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट में मेरा स्टेट महाराष्ट्र। ज़िला सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ज़िलों के नाम है सभी के, तो ज़िला सिलेक्ट करना है। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आप मैं जो बर्थडे डेट विश कर, मतलब यहाँ इंटर कर रहा हूँ, उस डेट पे आप विश कर सकते हैं, डेट में मतलब बर्थडे में। ये देखिए 18 अप्रैल 1992 आ गई। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इफ यू आर बाइंग हिल्सा फिश एट 1500 टकाज पर किलो, इन विच ऑफ दिस कंट्रीज वुड यू मोस्ट लाइकली बी। ये प्रश्न है, अर्थात अगर आप हिल्सा नाम की फिश यानी मछली अगर ले रहे हैं 1500 टका प्रति किलो के भाव से, 1500 टका, इसी में प्रश्न का उत्तर छुपा है दोस्तों, इसी में छुपा है। तो इन विच ऑफ दिस कंट्रीज वुड यू मोस्ट लाइकली बी, तो पूछ रहा है तो फिर आप किस देश में हो अगर ऐसा है तो। तो दो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी थाईलैंड, और ऑप्शन डी सिंगापुर। दोस्तों आपको इसके लिए सबसे पहले अगर पता होना चाहिए तो वो है करेंसी के बारे में जानकारी।
तो जिसको पता है वो आराम से लगा लेगा कि टका किस देश की करेंसी है, वो आपको पता होनी चाहिए। पर आपको पता होगा कि मैं अपने वीडियो में सिर्फ प्रश्न, पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं देता, मैं अतिरिक्त जानकारी साझा करता हूँ। तो उसके अंतर्गत मैं अतिरिक्त जानकारी ज़रूर आपको देना चाहूँगा, ताकि आपको भी लगे कि हम जब RDSR चैनल पर गए हैं, ब्राज़ील की मतलब और थाईलैंड की, सिंगापुर की, बांग्लादेश की, सभी करेंसी आपको पता चले। सबसे पहला जो ऑप्शन है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की जो करेंसी है दोस्तों, ब्राज़ील की करेंसी का नाम है, पहले तो मेरे ख्याल से 1994 तक शायद कुछ क्रूजायरो या समथिंग ऐसी कुछ ही किसी नाम से, ब्राज़ीलियन क्रूजायरो या ऐसे ही किसी नाम की करेंसी थी ब्राज़ील की। परंतु वर्तमान में अगर आप ब्राज़ील की करेंसी अगर आपको पता होगी या नहीं होगी तो आप गूगल वगैरह करके पता कर सकते हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ब्राज़ील की करेंसी रियाल, जो अभी करेंसी है ब्राज़ील की, वो शायद ब्राज़ीलियन रियाल है होगी। तो बांग्लादेश की करेंसी टका है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी है टका। तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड। तो दोस्तों थाईलैंड की जो करेंसी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, थाई बहत करके है, बहत, BHT बहत। अब बहत पढ़ते कि बत पढ़ते पता नहीं, पर थाईलैंड का होने के कारण थाई और बहत ऐसा कुछ है। और मेरे ख्याल से थाई करेंसी महंगी है या इंडियन करेंसी महंगी है पता नहीं, पर 2-2.25 रुपये के अगल बगल में है। अब 1 थाई बहत मतलब 2-2.25 रुपये है, या 1 रुपया मतलब 2.25 थाई बहत है, इसके बारे में मैं खुद कंफ्यूज हूँ, परंतु थाई बहत है पक्का। और चौथा जो ऑप्शन है सिंगापुर, सिंगापुर की करेंसी है डॉलर, पर ये कौन सा डॉलर, US डॉलर नहीं, बल्कि सिंगापुरियन डॉलर, सिंगापुर का जो डॉलर है वो वाला। तो जैसे पाकिस्तान में भी रुपया है पर पाकिस्तानी रुपया है, बस उसी तरीके से सिंगापुरियन डॉलर सिंगापुर की करेंसी है। आपके लिए एक होमवर्क है, वो ये कि थाई करेंसी मैंने जैसे बताया 2.25 रुपये के लगभग है, तो वो 2.25 रुपये मतलब 1 थाई बहत या 1 रुपया मतलब 2.25 थाई बहत, वो कमेंट करके बताइएगा। हमने जो ब्राज़ील, थाईलैंड और सिंगापुर की करेंसी बताए, क्या वो आपको पहले से पता थी या नहीं, वो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लग रहा है शायद सिंगापुर की करेंसी आपको पहले से जानकारी रही होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा ये बताकर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम डेली आकर आपको जो 9 बजे के रात का सोमवार से शुक्रवार का प्ले अलोंग है, उसके सभी प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। अब इस उत्तर को करेंगे लॉक, तो सबमिट बटन पे लॉक करते हैं, और ये सबमिट बटन पे लॉक करते बराबर आ गया थैंक यू, योर आंसर हैज़ बीन सबमिटेड, रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल ऑन 26th of August 2022। तो आज 19 तारीख है, यानी 7 दिन बाद, मतलब कि अगले शुक्रवार को क्या होगा, तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे इस क्विज़ के। और पिछली क्विज़ के जो विनर्स हैं उनके नाम डिक्लेयर हो चुके हैं, उनके नाम भी मैं आपको शो करता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये 5 विनर्स है अपोलो 24/7 क्विज़ के। और दोस्तों ये रहे पिछले वाले क्विज़ के, अपोलो 24/7 एप्लीकेशन पे जो क्विज़ हुई थी, उस क्विज़ के 5 विजेताओं के नाम। तो ये 5 विजेता है, और आज की जो क्विज है उसके जो विनर्स है, उसके विनर्स अगले हफ्ते शुक्रवार को जारी हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।